शिक्षक भी करके दिखा दिए बाबू, अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा दिए बाबू। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को क्या पढ़ना है? अब आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बाबू वो है नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का क्या पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब बताइए बाबू ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिक से हम उसका क्या मीनिंग निकाल पाते हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम क्या लेते हैं बाबू, फर्स्ट में तो लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। कौन सा पॉलिनोमियल लेते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं बाबू। अब बताओ लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम क्या देखेंगे? अगर कोई पॉलिनोमियल है क्या लेने बाबू, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव ले लेते हैं, ये दिक्कत है, कुछ भी ले सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया बाबू। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है बाबू? हम इसको हम एफ एक्स को बाय लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, टू एक्स माइनस फाइव। अब ध्यान दो हम एक्स का जिस एक्स के वैल्यू के लिए बाय का क्या मिलेगा, बाय क्या मिलेगा? देखो बाबू हम एक्स जो रखेंगे एक्स का हम कोऑर्डिनेट रखने के बाद बाय कोऑर्डिनेट क्या मिलता है, बाय का वैल्यू पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिलता है? हम एक्स के को पुट करेंगे, अगर हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो बाय का वैल्यू क्या मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, लिनियर पॉलिनोमियल। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट वाई। तो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये देखते हैं कि हमें ग्राफ पे उसका नेचर कैसा होता है। तो हम क्या करेंगे बाबू, मान लो कि हम पुट एक्स इक्वल टू वन टू थ्री फोर कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री कुछ भी ले सकते हो, लेकिन डेट वैल्यू हैज टू बी टेकन विच इजली टू ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर, जिसको हम इजली वे में क्या कर सकते हैं, ड्रॉ ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, वही वैल्यू को हम लोग लेते हैं। तो देखो बाबू हम क्या एक्स अगर बाय इक्वल टू टू इंटू वन माइनस फाइव क्या दे देगा, माइनस थ्री, बाय इक्वल टू ऐसे लिख लो 2x माइनस फाइव है ना, तो x का वैल्यू वन पुट करो तो 2 इंटू वन माइनस फाइव माइनस थ्री दे देगा, 2 इंटू टू माइनस फाइव क्या दे देगा, माइनस वन देगा, 2 इंटू थ्री माइनस फाइव सिक्स माइनस फाइव क्या दे देगा, वन दे देगा। टू इंटू थ्री माइनस फाइव वन दे देगा, टू टू इंटू फोर माइनस फाइव थ्री दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिए बाबू एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए बाई का बाई डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑब्टेंड हुआ। तो ये अगर एक्स इक्वल टू वन फुट किए एट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू फोर, तो बताइए वन पे क्या मिला, माइनस थ्री मिला, टू पे माइनस वन मिल गया, थ्री पे वन मिल गया, फोर पर थ्री मिल गया, मिल गया।
कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। तो देखिए बाबू हम क्या करेंगे, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एज्यूम कर लेते हैं। दिक्कत एक्स का वैल्यू क्या लिया बाबू, ये तो जीरो है। एक काम करो जीरो पर भी पुट कर लो, अगर जीरो लोगे ना तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, टू एक्स माइनस फाइव था ना, तो वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव था, तो जीरो इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा बाबू, फाइव बाई टू, सॉरी क्या ले रहे हो, बाई जीरो ले रहे हो ना, अगर बाई जीरो लोगे तो एक्स क्या आ जाएगा, फाइव बाई टू आ जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए बाबू, अब हमें वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इक्वल डिस्टेंस, एक जो डिस्टेंस होगा जीरो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल लेंथ होना चाहिए, अनइक्वल नहीं बाबू। आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करिएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री, कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब बताइए एक्स वन कहां पे है, एक्स वन, बाई क्या दे रहा है, माइनस थ्री। तो देखिए बाबू वन पे क्या दे रहा है, माइनस थ्री ना, पॉइंट यहां से लाई करेगा, एक्स वन बाई माइनस थ्री, एक्स टू बाई माइनस वन, तो एक्स टू बाई माइनस वन पॉइंट कहां लाई करेगा बाबू, यहां पे लाई करेगा, एक्स थ्री बाई वन, तो एक्स थ्री और बाई वन पॉइंट लाई करेगा। अब देखिए एक्स फोर बाई थ्री, एक्स फोर बाई थ्री, बाई थ्री तो यह हुआ बाबू, पॉइंट से डिनोट कर दे रहे हैं। अब देखिए बाबू पॉइंट जो आपका लाइन सेगमेंट होगा, देखिए ध्यान दीजिए आगे ये चल के, अब इसे हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं। देखिए आपका जो लाइन है वो कैसे क्रॉस करेगा, आपका लाइन जो है बाबू ये आपका क्या है लाइन हुआ, इस पॉइंट क्या दिया बाबू वन माइनस थ्री, इस पॉइंट पे टू माइनस वन, ये पॉइंट को आप पी मान लीजिए, ये क्या दिया फाइव बाई टू और जीरो। तो वो एक्स कोऑर्डिनेट पर बाई क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पे बाई जीरो होते हैं, तो एक्स एक्सिस पे जब बाई को जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, फाइव बाई टू आ गया। अब इस पॉइंट पे बात करेंगे थ्री पे, तो थ्री पे पॉइंट क्या आया था, थ्री वन आया था, फोर और थ्री आया, तो क्या दे दिया बाबू, एक लीनियर इक्वेशन दे दिया। क्या दिया, ग्राफ का नेचर कैसा हुआ, लीनियर हो गया, यानी कैसा ग्राफ होगा, लीनियर ग्राफ होगा। तो यानी हम एक्स का वैल्यू पुट करते गए पॉलिनोमियल में, हमें वाई का वैल्यू क्या होता गया, मिलता गया, तो हम उसके पोजीशन को इंडिकेट करा दिए कि प्लेन में किस
पॉइंट पे किस जगह पे क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, तो क्या हो गया लिनियर पॉलिनोमियल। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए पॉलिनोमियल का डिफरेंट डिफरेंट वाई आएगा, और डिफरेंट डिफरेंट वाई को हम क्या कर रहे हैं, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग करने का मतलब यानी एक ग्राफ के थ्रू हम एक्स और वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम उसी को क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहा जाता है। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। ये तो लिनियर पॉलिनोमियल था ना बाबू। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड में कौन सा पॉलिनोमियल होता है बाबू? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा सा ऊपर रेज कर सकते हैं, काटने में स्पेस की रिक्वायरमेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस वन था, केस टू ले लीजिए। केस टू में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, केस टू का सॉरी सेकंड में लिखिए लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है बाबू? तो देखो बाबू, ये इसमें px इक्वल टू होते क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होते हैं। a और b क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, a नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा बाबू। अब भेद देखिए, इसमें केस वन लीजिए, वेन ए इज पॉजिटिव, ए होगा अगर ए पॉजिटिव होगा बाबू, अगर ए पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिए, ए अगर क्या होगा पॉजिटिव देगा, अगर ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव नहीं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अगर पॉजिटिव हो, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन द ग्राफ का नेचर जो होगा, नेचर कैसा होगा, ओपन अपवर्ड होगा, ओपन अपवर्ड, यानी ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, अपवर्ड ग्राफ होगा, कैसा होगा, इस टाइप का ग्राफ देगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वेशन एक ले लेते हैं बाबू, कौन सा इक्वेशन ले, सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वाई का वैल्यू आएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एक टेबल बना देते हैं और इसको वाई मान लीजिए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब बताइए बाबू, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं ताकि हमको फिगर, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, चलो ऊपर ही रेज कर देते हैं, ऊपर से तो कोई लेना देना है नहीं। तो देखिए बाबू, यहाँ पे एक हम टेबल बनाते हैं, टेबल में क्या करेंगे बाबू, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वाई का वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए। तो देखो कुछ भी ले सकते हो एक्स का वैल्यू, देखो हमें अगर एक्स का वैल्यू माइनस फोर ले लें, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, क्या हो ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम डेट वैल्यू को प्रेफर करते हैं, हम सिक्स तक ले लेते हैं बाबू। अब देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए वाई का वैल्यू क्या मिलेगा। तो बाबू एट एक्स इक्वल टू माइनस फोर पर वाई क्या मिलेगा,
माइनस फोर का स्क्वायर इंटू टू इंटू माइनस फोर माइनस एट क्या दे देगा बाबू? ध्यान दो, 16 प्लस 8 माइनस 8 16 दे देगा बाबू। एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पे बाई क्या मिल जाएगा? माइनस थ्री का स्क्वायर 2 इंटू माइनस थ्री माइनस 8 मिल जाएगा बाबू। 9 प्लस 6 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा बाबू? 9 में से हट जाएगा तो 1 7 दे देगा। क्या दे देगा बाबू? 7। फिर x इक्वल टू माइनस 2 पर ले लेंगे बाबू, बाई क्या मिलेगा? माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 8 इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 8 0 मिल जाएगा। x इक्वल टू माइनस 1 पर बाई क्या मिल जाएगा बाबू? माइनस 1 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 1 माइनस 8 1 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 5 मिल जाएगा। x इक्वल टू 0 पे 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 8 क्या मिल जाएगा? माइनस 8। देखो बाबू जो जो वैल्यू आ रहा है ना, x इक्वल टू 1 पे 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 8 1 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 9। x इक्वल टू 2 पे 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 माइनस 8 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 8 दे देगा बाबू। x इक्वल टू 3 पे ऐसा ही 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 8 तो क्या दे देगा? 9 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 7 दे देगा। कोई दिक्कत नहीं था, सॉरी 3 का स्क्वायर है ना, 2 गुना 3 क्या देगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 6 तो दो दो वैल्यू। हाँ एक सही है, सही है, सही है, सही है। 9 प्लस 7 देगा ना, ये माइनस 7 देगा। x इक्वल टू 4 करो बाबू, देखो y इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 तो क्या दे देगा बाबू? देखो 16 माइनस 8 माइनस 8 8 8 16 0 दे देगा। क्या दे देगा? x इक्वल टू 4 पर 0 दे देगा। x इक्वल टू 5 पर क्या देगा बाबू? 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 8 हम डेट वैल्यू को ले रहे बाबू, जो वैल्यू को सॉल्व करना 25 में से 18 आ जाएगा तो 8 7 आ जाएगा। तो क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब x इक्वल टू ही ना बचा, 6 ले लेते हैं तो y इक्वल टू 6 का स्क्वायर 2 इंटू 6 माइनस 8 36 माइनस 12 माइनस 8 क्या आ गया? 16 आ गया। तब बताइए बाबू माइनस 4 पे क्या दे दिया? माइनस 8 सॉरी माइनस 4 पर 16 दे दिया, फिर माइनस 3 पर 7 दे दिया, माइनस 2 पर 0, माइनस 1 पर माइनस 5, 0 पर माइनस 8, 1 पर माइनस 9, 2 पर माइनस 8 एक ही वैल्यू रिपीट कर जा रहा है। हाँ कर तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं कर जा रहा है। 3 पर माइनस 7, 4 पर 0, 5 पर 7, 6 पर 16। चलिए ये सब वैल्यू आ गया बाबू। अब वैल्यू आ गया तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ का नेचर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए बाबू, बाय डैश बाय एक्स, एक क्या हो गया? ओरिजिन हो गया 0 1 2 3 4 5 6। यहां जो हम लेंगे बाबू देखो हम क्या लेते हैं, 2 4 6
आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, सब निगेटिव में होगा बाबू, सभी वैल्यू निगेटिव में होंगे। तो यहाँ हो जाएगा बाबू टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन हो जाएगा बाबू। और ये क्या हो जाएगा, सिक्सटीन हो जाएगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई तीन चार वैल्यू भी ले लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा लेना जाए, तीन से चार वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम होता है बाबू। तो देखो बाबू एक्स इक्वल टू माइनस फोर पर, देखो माइनस फोर पर वाई क्या मिल गया है, सिक्सटीन ना, वाई सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन के सिक्सटीन, सिक्सटीन मिला है। अब देखो बाबू सिक्सटीन माइनस फोर पर, तो माइनस फोर पर सिक्सटीन यहाँ मिल जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो माइनस थ्री पे क्या मिल गया है, सेवन, तो सेवन क्या मिलेगा, छ के एवं में, सेवन है। आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करिएगा तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। माइनस टू पर क्या मिलेगा बाबू, बाई जीरो, तो माइनस टू पर बाई जीरो मिल जाएगा, यानी यहाँ पे मिल जा रहा है पॉइंट। माइनस वन पे क्या मिल रहा है, माइनस फाइव, तो माइनस फाइव कहाँ देगा बाबू, माइनस फोर, यहाँ पे पॉइंट दे रहा है, ठीक है। अब देखिए जीरो पर क्या दे रहा है, माइनस आठ, एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर गया, माइनस आठ यहाँ पे है, तो माइनस एट। वन पे क्या दे रहा है, माइनस नौ, तो माइनस नाइन पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा बाबू, यहाँ पे लाई कर गया, कोई दिक्कत। टू पर क्या लाई कर रहा है, माइनस एट, तो टू पर माइनस एट ना, यहाँ पे लाइक कर जाएगा। थ्री पे क्या लाइक करेगा बाबू, माइनस सेवन, तो माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, थ्री पे यहाँ पे लाइक करेगा। दिक्कत नहीं। फिर फोर पर जीरो, ख्याल से ये होना चाहिए, ये लाइक करना चाहिए। अब देखो फोर हो गया, फाइव पर क्या मिलता है, सेवन, सिक्स पर क्या मिलता है, सिक्सटीन, हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो देखिएगा आपको दिख जाएगा, हम फ्री हैंड बना रहे हैं तो हमें थोड़ा सा मेरा में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा बाबू। तो देखो आप ज्वाइन कर देते हैं, देखो बाबू ग्राफ कैसा आया, अपवर्ड आया कि नहीं आया, लेकिन देखो बाबू नंबर ऑफ जीरोज टू, ये हो जाएगा फर्स्ट जीरोज, ये हो जाएगा सेकंड जीरोज। तो देखो यहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वही आपका क्या देगा, जीरोज देगा, तो जीरोज फोर पर मिलेगा और माइनस टू पर मिलेगा, एक माइनस टू पर मिलेगा वो एक फोर पर मिलेगा। अब पॉइंट को तो लोकेट कर ही दोगे, ये कितना है,
माइनस फोर और सिक्सटीन है, ये पॉइंट कितना है माइनस थ्री सेवन है, ये पॉइंट कितना है माइनस टू और जीरो है, माइनस वन और माइनस फाइव है, ये पॉइंट कितना है जीरो माइनस एट है, ये पॉइंट क्या है वन और माइनस एट नाइन है, टू माइनस एट है, थ्री माइनस सेवन है, ये तो फोर और जीरो आ गया, ये फाइव और सेवन आ गया, ये फोर और सिक्सटीन आ गया। तो आपका क्या हुआ अपवर्ड ग्राफ हुआ ना, कब ये क्या था ग्रेटर देन जीरो था, ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो ग्राफ क्या होगा अपवर्ड होगा। ये जो वैल्यू लेंगे अपने मन से लेंगे, तीन चार वैल्यू ले लेंगे, वो वैल्यू चूज करेंगे जो इंटीजर दे, क्यों ड्रॉ करना क्या होगा इजी होगा, ऐसे डेसिमल रहता तो प्रॉब्लम करता। तब नेक्स्ट क्लास में सेकंड बताएंगे बाबू जब